हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर वन इन आवर वर्कबुक है, मैथ्स की वर्कबुक जो है उसमें हम अब चैप्टर वन करेंगे। हमारा चैप्टर वन हमने CW में कंप्लीट कर लिया, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया, और आज हम अपनी वर्कबुक में चैप्टर वन कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बी रेडी विथ योर वर्कबुक। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। This is your chapter 1 in your workbook, okay? Page number 3. First of all, you will write date 3rd July. Okay, chalo, question number 1. Color the following as directed. Jaise diya hai, waise hume color karna hai. Jaise ki aap dekh sakte ho bachcho, green likha hai. Triangle shape mein kya likha hai? Green. तो जहाँ जहाँ मैंने जी लिखा है वहाँ पर आप क्या करोगे? ग्रीन कलर करोगे। ओके, फिर है रेड, सर्कल विथ रेड कलर, तो यहाँ पर रेड कलर आपको करना है, यहाँ पर आपको रेड कलर करना है, और यहाँ कोई सर्कल है नहीं, यहाँ भी सर्कल नहीं है। फिर येलो कलर इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में आपको येलो कलर करना है, तो इसमें कोई रेक्टेंगल नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल है। यहाँ पर भी बच्चों ये रेक्टेंगल है, अगर आप इसको मेजर करोगे तो उसकी चारों साइड्स जो है ना वो सेम नहीं है। देखिए, जिसकी चारों साइड सेम होती है उसी को बोलते हैं स्क्वायर। पर देखिए यहाँ पर टू और उसके ऊपर टू पॉइंट्स है। ओके, और इस साइड अगर आप मेजर करेंगे तो टू है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर, so we will take this as a rectangle and we will fill with yellow color, okay? तो यहाँ पर आपको येल्लो कलर करना है। अब आपको स्क्वायर में ब्लू कलर करना है, तो स्क्वायर देखो यहाँ पर एक है और ये यहाँ पर है। ओके, तो इसमें हम करेंगे ब्लू कलर, ये आप अपने आप घर पर कंप्लीट करोगे। नाउ टेक न्यू पेज, नंबर ऑफ, ओके, सो यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 रेक्टेंगल्स यहाँ पर है, सो वी विल राइट 6 नंबर। अब ट्राइंगल कितने हैं, अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों ये वाला। ओके, देखो पहले मैंने एक ग्रीन कलर में बड़ा वाला ट्राइंगल किया है, ये 1, फिर उसके अंदर ये आप देख सकते हो छोटा वाला ट्राइंगल 2, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों, मैं आपको रेड कलर से करके दिखाती हूँ, ये 3rd वाला ट्राइंगल। ओके, फिर यहाँ से आप देखोगे ऊपर से और एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे। ओके, तो ये ट्राइंगल है 4, टोटल ट्राइंगल्स है 4। ओके, वंस अगेन, ये पहले बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर उसके अंदर छोटा वाला 2, फिर ऐसे यहाँ से बना 3, और फिर ऐसे बना 4, ये तो हमने काउंट कर लिया। ओके, चलो अब सर्कल्स कितने हैं, सो 1 2 3 एंड 4 सर्कल्स हैं। ओके, अब स्क्वायर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 स्क्वायर्स है टोटल। ओके, चलो नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कितने हैं? ये पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें आपको ट्राइंगल एक ही दिखाई देता है, सो वी विल राइट 1। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मैनी स्क्वायर्स, स्क्वायर्स कितने हैं? तो स्क्वायर्स जो है बच्चों वो यहाँ पर एक ही है, जो उसका फेस है ना वो स्क्वायर है। ओके,
तो स्क्वायर में हम लिखेंगे 1। अब क्वेश्चन सी क्या है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कितने हैं। सो रेक्टेंगल शेप आपको पता है ना, ऐसे वाला जो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके 10 है, रेक्टेंगल्स आर 10। फिर से मैं आपको काउंट करवा रही हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके ये वाला पार्ट जो है वो हम मेजर करेंगे, आपको पता चले कि रेक्टेंगल है। देखिए ये आप ऐसे रखेंगे ना, तो यहाँ से होगा 2.5। बट अगर हम इसको ऐसे मेजर करेंगे ना, तो यहाँ से होगा देखिए आप 1.5 और थोड़ा एक दो पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, देखिए ओके। तो ये इसलिए होता है रेक्टेंगल क्योंकि उसकी ये साइड सेम है, ये दोनों और ये दोनों साइड सेम है, इसलिए इसको रेक्टेंगल कहेंगे। नाउ डी, हाउ मैनी सर्कल्स कितने हैं। तो सर्कल्स है 1, 2, 3, 4, 5 ओके टोटल 5 सर्कल्स हैं। वंस अगेन समझ लीजिए, हाउ मैनी ट्राइंगल्स तो 1, हाउ मैनी स्क्वायर्स वो भी 1 ही है, उसका जो फेस है वही स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स तो रेक्टेंगल सबसे ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सर्कल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो दो उसकी आइज़ है, ये दो ईयर्स है और ये उसका बेली बटन, ये 5 है ओके। चलो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे शेप्स दिए हैं, देखिए हैं, तो वो शेप्स कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। फर्स्ट है सर्कल्स, तो सर्कल्स कितने हैं देखिए, ये 1, ये 2। आप इस तरह से अपने आपके पास जो क्रेयॉन्स है उससे आप इसे रेड कलर, सर्कल जो है उसमें आप रेड कलर सेम करना ओके। चलो और यहाँ पर आप नंबर भी दे देना 1, 2 ओके, सो वी विल राइट 2। अब ट्राइंगल्स कितने हैं, तो ट्राइंगल में आप येलो कलर करो, 1, 2, 3 एंड 4 टोटल ट्राइंगल्स 4 हैं, तो आप उसमें येलो कलर करना। फिर पूछा है स्क्वायर्स कितने हैं, तो स्क्वायर ज़्यादा है तो हम ग्रीन कलर स्क्वायर करेंगे। आप कोई भी कलर करो बट जो भी शेप में आप कलर करो ना वही सेम कलर करना, मीन्स कि अगर आप सर्कल में कोई कलर कर रहे हो, येलो कलर कर रहे हो, तो सर्कल में आप येलो ही करना ओके। वैसे शेप में आप सेम कलर करोगे। फिर है ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल में अगर आप ग्रीन कलर करना चाहो तो सभी ट्राइंगल्स में आप ग्रीन कलर ही करोगे। अब हम स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टोटल 9 स्क्वायर्स हैं। नाउ रेक्टेंगल्स कितने हैं, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 रेक्टेंगल्स हैं ओके। फिर से वंस अगेन आपको बोल रही हूँ कि आप एक एक शेप में सेम कलर करोगे, सभी सर्कल्स में सेम करना, फिर ट्राइंगल्स में दूसरा कलर करना, बट सभी ट्राइंगल्स में सेम कलर करना ओके। चलो तो आज के लिए आपका वर्क इतना ही, आपको एक बार फिर से समझा दूँ कि आपको कितने पेजेस कंप्लीट करने हैं। आपको ये वाला कंप्लीट करना है, देन यू विल कंप्लीट दिस ओके, और फिर आपको ये कंप्लीट करना है ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से आगे का वर्क कंप्लीट करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।